न्यूज, आज की ताजा खबर आ गई है, तलाक असेंबली में जोरदार बहस, तलाक बिल पर असेंबली में जोरदार बहस, तलाक बिल पर असेंबली में जोरदार बहस, लोकसभा में तलाक बिल पर असेंबली में जोरदार बहस, लोकसभा में बहस, तलाक बिल पर असेंबली में जोरदार बहस, तलाक बिल पर असेंबली में जोरदार बहस, तलाक बिल पर असेंबली में जोरदार बहस। नैनी नैनी, क्या है? डाइवोर्स बिल जरूर पास हो जाएगा। क्या? तलाक का कानून जरूर पास हो जाएगा। तो जाओ सब के सब घी के दिए जलाओ, रात दिन औरतों की आजादी, मर्दों के जुल्म, इसके बिना और भी कुछ आता है तुम लोगों को? चिल्लाती क्यों, उधर मीटिंग हो रही है। अरे चूल्हे में जा तुम्हारी मीटिंग, मैं को किसी से डरती हूँ क्या? भगवान जाने क्या होगा इस घर का, जब देखो मीटिंग, जब देखो लेक्चर, सबके सब अंग्रेज हो गए। गए महीने महिला यूनियन की हमारी इस कमेटी की तरफ से तलाक बिल पास कराने के लिए मैं एक डिपुटेशन ले गई थी। आप लोग तो जानती ही हैं, ये तलाक बिल हमारी खुददारी, हमारे आत्मसम्मान के लिए कितना जरूरी है। हमारा समाज हमारा समाज सिर्फ मर्दों का समाज है, जिसमें औरत को पति के चरणों की दासी कहलाकर भी खुश रहना सिखाया जाता है। मैंने सुना है चेहरे की सुंदरता के लिए दूध की मलाई बहुत अच्छी होती, लेकिन मेरा ख्याल है संतरे का छिलका दूध की मलाई से भी ज्यादा मुफीद है। सुनने तो, मर्दों ने हम पर बहुत सारे जुल्म किए हैं, इसी देश में वो तीन तीन और चार चार शादियां करते थे और औरतें बेचारी सब कुछ बर्दाश्त करती थी। उस गुलामी का असर अब तक भी हमें बाकी। संतरे का छिलका ताजा लेकर गालों पे मसल देना चाहिए बस। संतरे का छिलका क्या, चिकनी मिट्टी उससे अच्छी है, रात को लेप लगाइए, सवेरे देखिए चेहरा क्या निखरता है। हाँ, तो इस नाइंसाफी को दूर करने के लिए तलाक बिल का पास होना बहुत जरूरी है। पास हो जाएगा मैडम, जरूर पास हो जाएगा। तुम्हें कैसे मालूम? ये देखिए। ओहो, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? लेके आई होगी और क्या? आंटी तो मुझे आने ही नहीं देती थी, मैं खिड़की कूद कर आ गई सब तुम्हारे लिए। अच्छा अच्छा, अनिता कहाँ है? गई होगी रमेश से मिलने। क्या फिर गई रमेश से मिलने? कौन कहता है कि वो रमेश से मिलने गई है, वो अपने कमरे में सो रही है। ये झूठ बोलती है मैडम। तुम जाके उसके कमरे में देखो। जी नहीं, बेबी की तबीयत ठीक नहीं है, उसे आराम कर लेने दीजिए। तेरा मुर्दा जा तेरा। फिफ्टीन थर्टी जूता ना, दूसरा भी।
टूट गई क्या? बदल बदल गई दिल पर हुआ ऐसा जादू तबीयत मचल मचल गई नजरें मिली क्या किसी से हालत बदल बदल गई मिलती कहीं आंख दिल को ये मलाल था कल तक हमारा ना पूछ कैसा हाल था मिलती कहीं आंख दिल को ये मलाल था उसने जो देखा तो हसरत निकल गई सुन प्यारे अपनी तो किस्मत बदल गई दिल पर हुआ ऐसा जादू तबीयत मचल मचल गई नजरें मिली क्या किसी से हालत बदल बदल गई कैसी है उल्फत की दिल लगी ये हम नशी वो हो गई मेरी और उसे खबर नहीं है उल्फत की दिल लगी ये हम नशी वो हो गई मेरी और उसे खबर नहीं जालिम मोहब्बत भी क्या चाल चल गई सुन प्यारे अपनी तो किस्मत बदल गई दिल पर हुआ ऐसा जादू तबीयत मचल मचल गई नजरें मिली क्या किसी से कि हालत बदल बदल गई Thank you.
में चमकती है बिजलियां अदाओं की, मिलती है आहट सी प्यारे उसके पांव की, दिल में चमकती है बिजलियां अदाओं की, होगा उजाला के अब रात ढल गई, सुन प्यारे अपनी तो किस्मत बदल गई, दिल पर हुआ ऐसा जादू, तबीयत मचल मचल गई, नजरें मिली क्या किसी से, हालत बदल बदल गई, पर दिल पर हुआ ऐसा जादू, तबीयत मचल मचल गई, नजरें मिली क्या किसी से, हालत बदल बदल गई। अरे क्या हुआ, क्या हुआ, रश आ गया क्या? दम तो अभी बाकी है ना, नब्ज देखो नब्ज। अरे पानी चला, पानी भाई। अरे पानी भाई, मैडम, अनीता, तुम्हारी तबीयत खराब थी ना, उस हालत में तुम कहां गई थी? किसी खास जगह नहीं गई थी, शायद डॉक्टर के पास गई होगी। जी जी हाँ, डॉक्टर ही के पास तो गई थी। क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने यही कहा है कि मेरी सेहत के लिए जरा घूमना फिरना अच्छा है। और शायद टेनिस मैच देखना भी तुम्हारे लिए अच्छा है। जी टेनिस मैच? मैं टेनिस मैच देखने नहीं गई थी आंटी, लेकिन ये गई थी मैडम। झूठ बोलती शर्म नहीं आती, झूठ बोलती। तुम जाओ मोनी, तुम जाओ। तुम्हें और मामूली दर्जे की लड़कियों में फर्क है अनीता, मर्दों के पीछे बेवकूफ बनना उन्हीं को जेब देता है, तुम्हें नहीं। लेकिन आंटी, लड़कियां बहुत कम बेवकूफ बनती हैं, हमेशा वही लड़कों को बेवकूफ बनाती हैं। देखो अनीता, कल तुम पूरे 20 साल की हो जाओगी, अगर मैं तुम्हें कुछ समझाती हूँ तो तुम्हारे भले के लिए। ब्याह मैंने भी किया था, जब मैं तुम्हें कहती हूँ कि मर्द मतलबी होते हैं तो तुम्हें मुझ पे यकीन करना चाहिए। आंटी, सारे के सारे ऐसे होते हैं? अब तुम बच्ची नहीं हो, कल तुम्हारे पिता की वसीयत खुलेगी और तुम्हें लाखों की जायदाद मिलेगी, उस जायदाद के लालच में हजारों नौजवान तुमसे ब्याह करना चाहेंगे, अगर तुम उनके बहकावे में आ गई तो धोखा खाओगी, समझी? डॉक्टर साहब, अंदर का मिशनरी तो चालू है ना? एकदम चालू है, खाली पीली ढोंगरा चाहता है, इसलिए कि हम इससे 3 महीने का किराया और खाने पीने का बिल ना मांगे, पर हम इस पर तरस नहीं खाएगा। तरस मत खाना, मगर भेजा भी तो मत खाओ पापा। ओ डियर, पिचू पिचू, तुम चुप रहो। ओ सॉरी। पापा, डॉक्टर साहब, आदमी जाएगा तो नहीं? आपकी ये नली क्या बोलती है? ऐसे मर्ज को जानने के लिए आलों की नहीं चंद सवालों की जरूरत है। आप पूछिए ना। क्या ये बीए पास है? अव्वल नंबर। और कार्टूनिस्ट भी? वो भी अव्वल नंबर। इसके पास सिर्फ एक गर्म पतलून है और 2 महीने में इसके जूते के तलवे खिस जाते हैं। 1.5 महीने में डॉक्टर साहब, 15 दिन तो कार्डबोर्ड डाल के चलाता है पुअर चैप। और जब ये सिगरेट पीता है तो अक्सर उधार। देर यू आर, वो भी 4 मीनार। मगर डॉक्टर साहब, आपने बीमारी के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं। ये उन 2 बीमारियों में से जिन्होंने इस 20वीं सदी में बहुत जोर पकड़ा हुआ है। अच्छा? एक तो है कैंसर और दूसरी ये। कैंसर में मरीज 6 महीने में छुट्टी पा जाता है, मगर ये बीमारी किसी को ज्यादा दिन तंग करे तो या तो मरीज सूखा कुआ ढूंढता है या गहरा तालाब। और मगर ये बीमारी है कौन सी? भूख और बेकारी। थैंक गॉड, हम तो काम पर है डॉक्टर साहब जी। मगर इसका इलाज? इलाज 3 टाइम दवा नहीं, 2 टाइम खुराक। 2 टाइम खुराक?
डॉक्टर साहब, आपके दवाखाने से एक नौकर को छुट्टी दे दो तो इस बेचारे की एक टाइम खुराक का इंतजाम हो सकता है। छुट्टी दे दो? हाँ, छुट्टी दे दो। हाँ, चलो चलो फीस निकालो। ओ, फीस? पैसे दे देना भाई। तू देना यार, हिसाब कर लेंगे बाद में। देने कब हिसाब होगा? मुंह उधर, मुंह उधर। ये लो, दो तो नहीं है। हाँ, तुमने डॉक्टर साहब की दो टाइम खुराक वाली बात तो सुन ली ना मम्मी? हमको मम्मी मम्मी मत बोला करो, हमारा कोई बेटा नहीं है। अरे अरे, अगर होता तो आज कितना बड़ा होता। अरे बाबा, तुम्हारे से बड़ा होता। और जब वो छोटा होता तो तुम गोद में खिलाती, गाना गा गा के सुलाती, और आज वो बड़ा होकर बिल्कुल प्रीतम के माफिक होता तो तुम उसको भूखा रख सकती थी। हरगिज़ नहीं यार। तुम उसको इस तरह मरने देती? ऐसे क्या को बोलता बाबा? तो फिर जाओ ना, जल्दी से खाना लेकर आओ ना। लाती ना खाना बेचारा। लाती लाती प्रीतम, हेल्प करो। एक्सक्यूज मी, हेल्प करो, हेल्प करो। कम से कम 15 दिन का तो इंतजाम हो गया, और 15 दिन के बाद पप्पा को सबक पढ़ाएंगे। मान गए भाई, बहुत। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे माय डॉली, हैप्पी बर्थडे टू यू। सबके सब अंग्रेज हो गए। थैंक यू आंटी। सालगिरह मुबारक हो अनीता। थैंक यू वकील साहब। वकील साहब, ज्यादा देर करना अच्छा नहीं, वसीयत तो खोलिए, देखे क्या लिखा है मेरे भाई ने। जरूर जरूर, आइए। ऑन दिस डे द 10th ऑफ सितंबर 1945 आई मोहन चंद्र वर्मा। ये सब छोड़िए वकील साहब, मतलब की बात बताइए, अनिता के लिए कितनी जायदाद छोड़ गए हैं मेरे भाई साहब? कितनी जायदाद छोड़ गए हैं? सब मिलाकर करीब करीब 70 लाख रुपए की जायदाद छोड़ गए। 70 लाख? जी। हूँ क्या? अरे 70 लाख, अब तुम्हें जिंदगी भर शादी के सहारा ढूंढने की जरूरत नहीं अनिता। हाँ वकील साहब, ट्रस्ट कब तक ये जायदाद अनिता को दे देगा? शादी के बाद। शादी के बाद? शादी के बाद? जी हाँ, जायदाद हासिल करने के लिए इनका शादी करना बहुत जरूरी है। हाउ लकी। वकील साहब, शादी कब करनी होगी? फौरन ना? अनिता, ये कभी नहीं हो सकता, आप कुछ गलत पढ़ रहे हैं। मैं गलत पढ़ रहा हूँ? क्या कह रही हैं आप? देखिए ना, साफ साफ लफ्जों में तो लिखा है कि अगर अपनी 21वीं सालगिरह तक या उसके बाद 1 महीने के अंदर अंदर अनिता शादी न करे तो उसकी सारी जायदाद किसी अनाथ आश्रम में दे दी जाए। इम्पॉसिबल। ये वसीयत करते वक्त मेरे भाई के दिमाग में जरूर कोई खलल रहा होगा, जरूर खलल रहा होगा। यू शट अप। तो फिर मेरे भी दिमाग में खलल रहा होगा, क्योंकि वसीयतनामा लिखते वक्त मैं खुद भी तो वहाँ मौजूद था। आपके नाम भी ये खत लिख गए हैं, जब आप उसे पढ़ेंगी तो आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा। क्या लिखा है? पढ़िए पढ़िए। मेरी अच्छी बहन, मैं जानता हूँ कि तुम मर्दों को कितना पसंद करती हो, इसलिए मुझे डर है कि मेरे कूच करने के बाद कम से कम तुम्हारे कूच करने तक तुम अनीता को कमाने ही रखोगी, और इसीलिए मैं ये चटपटी सी वसीयत किए जा रहा हूँ। तुम्हारा चहीता भाई मोहन। अनीता, अगर तुम्हें इसमें कोई मजाक नजर आता है तो तुम अपने कमरे में जाके हंस सकती हो। चहीता भाई, मेरा सगा भाई और मेरा ही दुश्मन। पूरी वसीयत सुनाऊं? कोई जरूरत नहीं इस दलील वसीयत पढ़ने की। अभी तो और मसाले बाकी हैं ना मैडम, आप जा सकते हैं। थैंक यू। अगर कहिए तो मैं ही एक आध लड़का ढूंढ निकालूं, वक्त बहुत कम है। मैंने कहा ना, आप जा सकते हैं। जी जी। और सुनिए, अभी 1 महीना बाकी है ना? जी। हेलो जॉनी। हेलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हेलो जॉनी। एक्सक्यूज मी। हेलो 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 जॉनी। एक्सक्यूज मी। हेलो हेलो। ओके। हेलो जॉनी। हेलो।
नहीं है। हाँ अपनी जान पहचान करा दो ना। तुम खुद ही कर लो ना। थैंक यू। कुछ है? आप थोड़ी देर बैठिए, काम में है। फ्रंट फर्स्ट क्लास, प्रोफाइल सुपर क्लास। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, अगर मैं आपसे कहूं कि आप शहर की सबसे खूबसूरत लड़की हैं तो आप क्या कहेंगी? तो मैं एडिटर से कह दूंगी। ओह, तो मैं नहीं कहता, नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। हाँ, और अगर मैं आपको लॉलीपॉप दूं तो भी आप कह देंगी? जी नहीं। तो फिर लीजिए ना। जाने दिनेश कलेक्टर जा रहा है, तुम क्लब में जाकर दो चार फोटो ले आओ। ओके बॉस। तुम घबराना मत, मैं अभी आया। तो फिर से खाने तक लौट आना, वरना अपने पास कुछ पैसे। मैं समझ गया, तुम बैंक संभालो, उधर बढ़ने की जरूरत नहीं है, वरना भूखे रखड़ जाओगे। हाँ छोड़ गए हैं। अरे वो तो 9 साल पहले छोड़ मरे थे। तुम
मेरी नहीं सुनते और बीच में बोलने लगते हो। सुनो, जायदाद हासिल करने के लिए मुझे एक महीने में किसी न किसी से शादी करनी होगी। एक्सीलेंट, फौरन कर डालो। कल कर ले। किससे? मुझसे? यस। ओ तो शादी का लाइसेंस लेने कब चल रही हो? अनीता, हम लोगों में तो सिर्फ दोस्ती थी, ये अचानक शादी का ख्याल तुम्हें कब से आ गया? जब से वसीयत सुनी तब से। लेकिन मैंने तुमसे कभी शादी की बातचीत भी तो नहीं की। तो आप कर लो। देखो, मेरे पास शादी वादी के लिए कोई वक्त नहीं। कल मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ विंबलडन में टेनिस का मैच खेलने। तो पहले शादी कर लो, फिर दोनों साथ चलेंगे। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, फोटो खिंचाने का अपॉइंटमेंट है आज। अपॉइंटमेंट? अपॉइंटमेंट को मार बोली, पहले शादी का दिन तो तय कर लो। फजूल की बातें मत करो अनीता, मैंने कहा मेरे पास वक्त नहीं। मगर सुनो, शाम को सिनेमा में मिलना, टिकट भिजवा दूंगी, सब कुछ वही तय कर लेंगे। कार्टून तो बहुत दिलचस्प बनाया तुमने। शर्मा जी, आपको मेरे कार्टून तो हमेशा दिलचस्प लगते हैं, कुछ काम वाम देने में दिलचस्पी लीजिए ना। देखो प्रीतम, तुम तो जानते हो कि मेरे पास 6 साल से एक कार्टूनिस्ट है, तुम्हें नौकरी देने के लिए मुझे उसे अलग करना पड़ेगा, मेरे ख्याल में ये ज्यादती है। फिर भी अगर कभी गुंजाइश हुई तो मैं तुम्हें जरूर काम दूंगा। ये तो मैं कई मरतबे सुन चुका हूँ शर्मा जी, आजकल अपनी हालत इतनी नाजुक है कि दाल रोटी के लाले पड़े हुए। अरे तो तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा, तुम्हें पैसों की जरूरत है, मुझे ले जाओ। I'm so sorry. परसों तो मैं घर में ही भूल आया। Excuse me. Hello, speaking. Oh, hello, सीता देवी। आवाज में तो बहुत खुशी छलक रही है आज, दिखता है डाइवोर्स बिल पास होने ही वाला है। वो सब मेरी ही कोशिशों का नतीजा है, अब आप लोग होशियार रहिएगा अपने बीवियों से। शर्मा जी, आपकी तो खासी जान पहचान है लोगों से, मेरा एक काम कर दीजिए ना। हाँ, कहिए, क्या सेवा कर सकता हूँ? मुझे एक शरीफ लड़के की जरूरत है, पढ़ा लिखा हो तो ज्यादा अच्छा। ताज्जुब है, मेरा तो ख्याल था कि आपके यहाँ मर्दों को नौकरी नहीं मिलती। काम जरा नाजुक सा था, इसलिए ये बहुत जरूरी है कि लड़के पे भरोसा किया जाए और लड़का अपने वादे का पक्का हो। समझा। जरा माफ कीजिएगा, प्रीतम एक नौकरी है, करोगे? ये भी कोई पूछने की बात है शर्मा जी? जरूर करूंगा, काम कार्टूनिस्ट का नहीं, कुछ और होगा। कुछ तो होगा शर्मा जी, हाँ कह दीजिए ना। अच्छा, हेलो सीता देवी, जैसा लड़का आपको चाहिए वैसा ही इस वक्त मेरे ऑफिस में मौजूद है, कब भेज दूं? फौरन। ओके, बाय बाय। सीता देवी का पता मैं तुम्हें लिख देता हूं। हाँ तो प्यारे, विंबलडन से कब लौटोगे? एक आध महीने बाद? नहीं यार, 3-4 महीने तो ऐसे ही लग जाएंगे, पूरा यूरोप घूम कर लौटूंगा, फ्रेंच रिवेरा, रोम, पेरिस। पेरिस? अरे एक बार फिर बोल। पेरिस। पेरिस, वेरी गुड। अरे तब तो बहुत काम के आदमी हो यार, सुनो। समझ गया ना, 10-15। मगर तेरे पास तो कई थी। अरे यार, दोस्त लोग सब लेके चले गए, ऐसी चीजें कौन छोड़ता है। बेबी ने सिनेमा की टिकट भेजी है। अच्छा, तुम जाओ। सलाम। कौन सा बेबी है? साहब को मालूम है। क्यों प्यारे, ये क्या घपला है? कौन है ये बच्ची? बच्ची नहीं यार, अच्छी खासी बड़ी लड़की। अच्छा? बहुत तंग करती है, कहती है मुझसे फौरन शादी कर लो। तो फिर कर लो। मैं शादी वादी नहीं करना चाहता। तो फिर इनकार कर दो ना। 100 बार इनकार कर चुका हूँ, मगर वो समझती नहीं, बुरी तरह मेरी टेनिस पर फिदा है। एक तरकीब है। क्या? रैकेट और गेंद भेज दो। मजाक छोड़ यार। ठीक, मैं ये झगड़ा हमेशा के लिए खत्म कर दूं। जॉनी, पिक्चर देखोगे? मुफ्त। हाँ हाँ, मुफ्त, ये लो टिकट। लाओ। शाम को पिक्चर भी देखना और मेरा एक काम कर देना। क्या? तुम्हारी बाजू वाली सीट पर वही लड़की बैठी होगी, उसको मेरा एक खत दे देना। ओके, लेकर आओ। आपने किसी को बुलाया था? हाँ? किसी लड़के को बुलाया था? हाँ हाँ, वो आया है। बुला। ए मिस्टर, इधर आओ, इधर आओ। Thank you.
तुम्हें शर्मा जी ने भेजा है? जी हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? प्रीतम। प्रीतम। कुछ पढ़े लिखे भी हो? जी हाँ, बीए पास। और अभी तक इतना नहीं मालूम कि घर के अंदर हैट और रेनकोट पहने रहना तहजीब के खिलाफ है? रेनकोट? इसे रहने दीजिए। क्यों? ये मैं आपको कैसे बताऊं? क्यों, क्या बात है, बताओ। मेरी पतलून की हालत कुछ। रहने दो। कुंवारे हो अभी तक? जी हाँ, भगवान की दया से। और भगवान की दया से बेकार भी हो? जी। बहुत अच्छी, बैठ जाओ, बैठो। माफ कीजिए, मेरे बेकार रहने में आपको क्या अच्छाई नजर आती है ये मैं नहीं समझ सका। समझ जाओगे, बेकारी की वजह से काफी मुश्किलों में हो गए। कर्ज होगा, बिल चुकाने होंगे, घर का किराया, खाने का बिल, दर्जी का बिल। जी दर्जी का नहीं, धोबी का बिल। तो सब मिलाकर तुम्हारा महीने का क्या खर्च है? यही कोई 250 रुपये। तो देखो, हम तुम्हारी तमाम मुश्किलें दूर कर देंगे, उसके बदले तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। क्या करना होगा मुझे? शादी, शादी करनी होगी। एक गिलास पानी मिल सकेगा? घबराने की कोई जरूरत नहीं, शादी सिर्फ चंद महीनों के लिए करनी होगी, उसके बाद जब भी हम चाहेंगे तुम्हें तलाक देना होगा। तलाक? किसे? आपको? डोंट बी सिली, मैं अपने भतीजे की शादी की बातचीत कर रही हूँ। सीता देवी, आपने मुझे समझ क्या रखा है, किराए का टट्टू? आप हो या आपकी भतीजी, मैं अपने आप को बेचने के लिए तैयार नहीं हूँ। नमस्ते। शादी मेरी इन्हीं से होगी? तो फिर मंजूर है। लेकिन शादी की तीन शर्तें हैं। पहली शर्त, शादी के बाद तुम कभी अनिता को देख भी न सको, न कभी उससे मिलने की कोशिश करो। जी, तो फिर शादी की जरूरत क्या है? वो जरूरत हम बेहतर समझते हैं। दूसरी शर्त, इस शादी की किसी को कानो कान खबर ना हो। आखिरी और सबसे जरूरी शर्त, जब भी हम चाहेंगे और जिस शर्त में चाहेंगे तुम्हें तलाक के लिए राजी होना पड़ेगा। तो तुम वादा करते हो कि ये सारी शर्तें निभाओगे? जी। हर हालत में? जी हाँ। गुड। थैंक यू। मैं अगर यहाँ बैठ जाऊं तो आप कुछ कहेंगे तो नहीं ना? नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए, आप जो खा चुकी हैं और जो खाने वाली हैं उसका भी बिल अगर मैं ही चुकाऊं तो भी आप कुछ नहीं कहेंगे, हैं? कुछ कहेंगे नहीं ना? कुछ परवाह नहीं, खाओ खाओ। सुनो, तुमने वो कश्मीरी सेब तो खाओ होंगे ना? जी। वो लाल वाले, उसके दोनों तरफ, आई मीन उसे दोनों साइड पे जो हल्का सा गड्ढा पड़ता है, कितना प्यारा होता है, नहीं? है? जी। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप मुस्कुराएं तो आपके गाल पर उससे ज्यादा खूबसूरत गड्ढा पड़े। शायद। है? तो फिर मुस्कुराओ ना। नहीं नहीं, थोड़ा सा लाइट। या वेरी गुड। भूख लगी है? भूख लगी है क्या? ये ले, ये ले रुपया, तू भी खाना खा ले जा, साथ खा ले। हाँ, साथ में क्यों रंग में भंग करता यार? बाजू के होटल में जाना भाई। बाजू वाले होटल? हाँ। वहाँ मेरे 4 रुपये बाकी। 4 रुपये? क्या मुसीबत है। ए, वो लो रुपया, ये 5 रुपये रख और उसका भी चुकता करो, तू भी खा सकी। यार
यही खा लेंगे। यही क्यों जान जलाता यार। अरे हाँ ले तेरा भी इंतजाम करता हूँ ले। ये ले सिनेमा का टिकट। और बाजू वाली सीट पे एक छोकरी बैठी होगी उसको भी चिट्ठी दे देना कहना रमेश ने दी है और हो सके तो कल लंच के लिए तू उसको ले आना। देख तरकीब बता दी अब तू जान और तेरा काम। ए पौने तीन बजे चल जल्दी जा। अरे पौने तीन का शो है जल्दी जा बोलता हूँ ना। कमिंग। दिस इज मूवी टर्न। Lionel Gamlin reporting. Trieste and the adjacent free territories. रमेश ने एक खत भेजा है। सुनते हो जी? ये खत दे रहा है मुझे। तेरी ये मजाल? मेरे सामने मेरी बीवी को खत दे रहा है? माफ कीजिए गलती हो। गलती के बच्चे। निकल तू इंटरवल में बाहर। मैं देखता हूँ। In London, the initialing of a memorandum of understanding was carried out at Calcutta. I'm so sorry. ज़्यादा देर तो नहीं हो गई मुझे। बाहर रोशनी में से आओ तो अंधेरे में कुछ दिखाई भी नहीं देता। वहाँ क्यों खींचे बैठे हो? पास आओ ना। शादी के बारे में क्या सोचा तुमने? सुनते हो जी? इसने मुझे कोनी भी मार। कोनी? तू इस तरह नहीं मानेगा। तुमने इसे कोनी क्यों मारी? कोनी? क्या बैठी हो? मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देती? अच्छा पापा, मैंने ये भी कर दी। सुनो, शादी के बाद तो तुम किसी को कोनी नहीं मारोगे ना? तुम? जी। तुम यहाँ कैसे आए? मैं रमेश का खत ले आया था। मगर हुआ क्या? क्यों जी, आपको खत दिया कैसे? ये क्या कहा है? पकड़ो इसको। मत कर इधर। अब जाने ना बाहर। पकड़ो। अब जाने ना बाहर। हेलो जॉनी। हेलो। हेलो जॉनी। हेलो हेलो। हेलो जॉनी। हेलो। हेलो। ये लो। एक दो तीन चार। चार? मेरे लिए? ओह यस। अरे वो तो कुली नहीं मिला, नहीं तो पूरी दुकान ही लाने वाला था। खैर है, लेकिन याद रखो आज अगर तुमने इन्हें फेंका तो मैं खुद एडिटर से बोल दूंगा। अच्छा अच्छा, नहीं फेंकूंगी, अभी छोड़ो, बाहर बातें करेंगे। बाहर? अरे वेरी गुड, तो आओ चलो। अभी नहीं, बाद में। अभी तुम जाओ ना। आई एल ओ वी लव वाई ओ यू आई लव यू। मैं अभी एडिटर के पास जा रही हूँ। एडिटर? गलती हो गई, गलती हो गई। मैं अभी रबड़ से मिटा देता हूँ। देखो ना, इसको तो अपन रबड़ से मिटा देंगे, मगर जो इधर लिखा गया है उसको कौन से रबड़ से मिटाएंगे? नहीं नहीं, जरा सोचो, धोबी भी भट्टी के अंदर नहीं निकाल सकता इसको। काम करते करते हड्डी नरम हो गई है। जब देखो लेक्चर, जब देखो मीटिंग, ये घर है या सराय, सबके सब अंग्रेज हैं। चलो नाश्ता कर लो। मैं सब नहीं खाऊंगी। फिर क्या खाओगी? खबरदार जो ऐसी बात मुझसे कही तुम, जहर खाए तुम्हारे दुश्मन,
चलो उठो बैठो। तुमने कभी किसी से प्रेम नहीं किया नैनी, जब भी जबरदस्ती खाना खिलाती हो। ये लो। अरे हमारे जमाने में प्रेम करते थे खाना खा के, भूखे पेट नहीं। लो खाओ। मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है? क्यों? उस रमेश के बच्चे ने शादी करने से इनकार कर दिया। अच्छा ही हुआ, मुझे तो एक नजर ना भाता था वो मुआ। अरे उससे कहीं अच्छे दूल्हे मिलेंगे तुम्हें। मगर उससे अच्छी टेनिस कौन खेलेगा ना? हाय राम, आदमी से बढ़कर टेनिस हो गई? अरे शादी आदमी से करोगी या टेनिस से? तेरा तो दिमाग खराब हो गया है। देखा मैडम, मैडम लंच खाने नहीं चलना? तब तो इसी में होगा। क्या? जो ढूंढ रहा हूँ। क्या ढूंढ रहे हो? जो खो गया है। क्या खो गया है? जो ढूंढ रहा हूँ। क्या ढूंढ रहे हो? जो खो गया है। क्या खो गया है? जो ढूंढ रहा हूँ। क्या ढूंढ रहे हो? जो खो गया है। क्या खो गया है? जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यहीं था किधर गया जी। किसकी अदाओं पे मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी। अरे जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यहीं था किधर गया जी। किसकी अदाओं पे मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी। डर के चूहा तो नहीं हो गया, कहीं मारे डर के चूहा तो नहीं हो गया। कोने कोने देखा न जाने कहाँ खो गया, कोने कोने देखा न जाने कहाँ खो गया। यहाँ उसे लाए काहे को बिना काम रे, जल्दी जल्दी ढूंढो के होने लगी शाम रे। यहाँ उसे लाए काहे को बिना काम रे, जल्दी जल्दी ढूंढो के होने लगी शाम रे। जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यहीं था किधर गया जी। किसकी अदाओं पे मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी। कोई उल्फत की नजर जरा फेर दे, कोई उल्फत की नजर जरा फेर दे। ले ले दो चारा ने जिगर मेरा फेर दे, ले ले दो चारा ने जिगर मेरा फेर दे। ऐसे नहीं चोरी खुलेगी तकरार से, चलो चलो थाने बताए जमादार से। ऐसे नहीं चोरी खुलेगी तकरार से, चलो चलो थाने बताए जमादार से। जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यहीं था किधर गया जी। किसकी अदाओं पे मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी। सच्ची सच्ची कह तो दिखाओ नहीं चाल रे, सच्ची सच्ची कह तो दिखाओ नहीं चाल रे। तूने तो नहीं है चुराया मेरा माल रे, तूने तो नहीं है चुराया मेरा माल रे। बातें हैं नजर की, नजर से समझाऊंगी, पहले पढ़ो पहियों तो फिर बतलाऊंगी। बातें हैं नजर की, नजर
जाने कहां मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यहीं था किधर गया जी। किसकी अदाओं पे मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी। अरे जाने कहां मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यहीं था किधर गया जी। किसकी अदाओं पे मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी। कौन है, क्या है? प्रीतम यहाँ रहता है? वो नहीं, उसका सामान रहता है यहाँ। ओ, हमारी वाइफ का मतलब ये है वो यहाँ रहता है पर अक्सर बाहर रहता है। आइए आइए आइए। व्हाट, आइए आइए। ओ, नए आदमी के साथ कैसा बात करता है डियर? चुप रहो। आपको उससे कुछ काम है? नहीं, यूं ही देखने चली आई थी कि कैसे रहता है वो। आप उसका सगा वाला है क्या? ये कमरा प्रीतम का है? हाँ हाँ, हम अपना किरायेदार लोग को बहुत अच्छा रखता है। 6 बजे को चाय, 8 बजे ब्रेकफास्ट में पॉरिज, टोस्ट, बटर एंड टी। माफ कीजिएगा, एक बार फिर से तो कहिए। पॉरिज, पॉरिज। मोनी, वैसे आपको प्रीतम से कोई शिकायत तो नहीं? ओ नो नो, वो बहुत अच्छा चालो चलन का बॉय है वो। हमको चाल चलन से क्या मांगता, हमको अपना किराया मांगता पूरे 3 महीने का। ओ डियर। व्हाट डियर? डियर कितने दिनों से बेकार है? जब से इधर आया बिल्कुल बेकार है। जी नहीं, उससे भी 2 महीने पहले से। लो सुन लो, उसका मुंह से उसका तारीफ सुनो तुम। हा? दूसरे सवाल भी अगर आपने मुझसे ही पूछे होते तो बिल्कुल ठीक मालूमात हो जाती आपको। कोई बात नहीं, बाकी के पूछ लूंगी। मैं अंदर आ सकती हूँ? जी हाँ, आप ही का घर है, चलिए। तुम इतनी छोटी सी जगह में कैसे रहते हो? बड़े मजे में, आदत जो पड़ गई है। तुमने शायद इससे बेहतर जिंदगी नहीं देखी, इसीलिए ऐसा कहते हो। और आपने शायद वो जिंदगी नहीं देखी जो लाखों बेचारे फुटपाथ पे गुजारते हैं। मेरी हालत तो उनसे कहीं बेहतर है। तुम कम्युनिस्ट हो? जी नहीं, कार्टूनिस्ट। मैं कुछ कागजात लाई हूँ, दस्तखत कर दो। शादी के रजिस्ट्रार को नोटिस देनी है। यार बड़े मौके से आ गया, जल्दी जा, नीचे ही मिल जाएगी। कौन? अभी अभी पूछ के गई, बेकार टाइम मत खराब कर, नहीं तो निकल जाएगी। कोई छोक रही है क्या? हाँ। तो अभी हाथ मुंह धो के आता हूँ। तू मुंह धोएगा तो उसे हाथ धो बैठेगा। मगर है कौन? जूली। जूली? अबे जूली से तो मैं भी मिलकर आ रहा हूँ। तू जूली से मिलकर आ रहा? हाँ। तो जा रोजी से मिलकर आना। ए गिस्सा मत गया, सीधा बोल के अंदर मत आ। कोई है क्या? हाँ है। कौन है? मम्मी अंदर कौन है? दो लेडी है। दो? आता है, आता, चलो चलो चलो। बीस तारीख को 10 बजे तक वहां पहुंच जाना। पहुंच जाना। तो 20 तारीख को जा रहे हो ना? पैसे की जरूरत भी होगी। मांगना मुझसे, एक पाई नहीं दूंगा। ये पत्तून किसी के पास गिरवी रख के जाना। अरे तुम्हारा क्या भरोसा, कहीं जहर भर खा लो तो। लो छतरी, धूप लगेगी। नहीं चाहिए। अरे रंग जल जाएगा तो कोई शादी नहीं करेगा। आप मुझे किसी से शादी नहीं करनी, तुम ही कर लो। हाय राम। हाँ।
आप रो रही हैं? नहीं तो मैं रो का रही हूँ, मुझे तो जोर का जुकाम हो रहा है। बड़ा तेज जुकाम मालूम होता है। सच बोल तो मैं रो ही रही थी। क्यों? वो रमेश का बच्चा भाग गया। कौन? वही रमेश जो? वही चाइनीज वाला जिसकी तुम चिट्ठी लाए थे। टांग टूटे मुएगी। बेशक बेशक। है ना? सुनो तुम्हें एक बात बताओ, क्यों? कहिए। सुनो ना बाबा ना, तुम्हें कैसे बताऊं? क्यों? तुम भी तो मर्द हो। ये मेरा कसूर तो नहीं है। तुम नहीं जानते इन मर्दों को, सारे के सारे पाजी होते हैं। अच्छा? हाँ। तुमने कभी किसी से मोहब्बत की है? कुछ देर से ये रोग मुझे भी लग गया है। मत लगने दो, मैं कहती हूँ मत लगने दो, बहुत बुरी होती है दिल की रखी। होता क्या है? भूख नहीं लगती और लोग जबरदस्ती खाना खिलाते हैं। इसकी तो फिक्र मुझे बिल्कुल नहीं है। यहाँ तो दो चार रोज भूखे रहने के बाद भी रोटी नहीं मिलती। रोटी नहीं मिलती तो केक बिस्किट तो नहीं खा लेते? अरे हाँ, ये तो मुझे बिल्कुल सूझा ही नहीं। आप बड़ी होशियार मालूम होती हैं। हूँ ना? तुम भी कुछ ऐसे बुरे नहीं हो। क्या नाम है तुम्हारा? प्रीतम। प्री कुछ अजीब सा नाम है ना? दो चार बार बुलाएंगी तो अच्छा लगेगा। कहिए। प्रीतम। किसी की सूरत का सामना, गोरी गोरी गोरियों को पड़े
मैंने जायदाद बचाने का इंतजाम कर लिया है। इंतजाम तो मैं भी करने निकली थी पर अपनी तो स्कीम ही फेल हो गई। लेकिन मेरी स्कीम फेल ना होगी, मैंने ऐसा लड़का ढूंढ निकाला है जो कि तुमसे ब्याह करेगा और जायदाद तुम्हारे हाथ आने के बाद तुम्हें तलाक दे देगा। हाउ इंसल्टिंग! मैं ऐसे आदमी से कभी ब्याह नहीं करूंगी जो शादी से पहले मुझे तलाक देने की सोचे। मेरी इतनी भी कदर नहीं। लेकिन कदर का सवाल ही कहां उठता है अनिता? हम लोग उसे 250 रुपया महीना देंगे, इसी लालच में वो ब्याह करेगा। इसमें तो और भी मेरी इंसल्ट है कि 250 रुपए के लिए वो मुझसे ब्याह करेगा। और किस नहीं करूंगी। डोंट बी सिली अनिता, वो तुम्हारी कदर करे या ना करे इससे तुम्हें क्या मतलब? जायदाद हाथ आ जाए बस इतना ही बहुत है। As you please. जानी, क्या है? क्या बात है बड़े जल्दी में? हाँ यार, तेरा जूलियो से मिलने जाने का है, देर हो गई है। यार जानी, मेरा तेरा क्या हिसाब है? हिसाब? मैं समझ गया तेरे को पैसे की जरूरत है, मिलने वाले नहीं है। यार 65 का भी कोई हिसाब है जॉनी? 10 रुपये और दे दे पूरे 500 हो जाएंगे। 25 और मांग लेना पूरे 100 हो जाएंगे। बात करता यार, मुझे देरी हो गई है। यार इसमें क्या हुआ, 2 कार्टून बेच दूंगा, पूरे पैसे वापस कर दूंगा। हाँ जब तक मैं बिक जाऊंगा। जानी, ए जानी, जानी क्या मुसीबत है यार, चल उधर मुँह कर। उधर देख, उधर ये ले। अरे 9 बज गए भैया, तू जरा जल्दी से पत्रन को इस्त्री कर दे, मैं नहा के आता हूं। अरे साबुन कौन भूल कर गया? क्या मुसीबत है, बाथरूम से साबुन किसने गुल कर दी? प्रीतम भी गुल? प्रीतम, ए प्रीतम, ये भी गुल? ओ अरे सूट भी गुल, क्या मुसीबत है। अब दूसरा सूट तो 21 तारीख को मिलेगा वॉशिंग कंपनी से, आज तो 20 तारीख है। 20? हाँ हाँ, ये गया बुढ़िया से मिलने। जैसे आप? मैं तो अंकित के साथ आई हूँ, वो अंदर रजिस्ट्रार से बातें कर रही। तुम भी रजिस्ट्रार के पास आए हो? जी मैं, जी नहीं, मैं तो आपको देख के चलाया था। सुनो, अगर मैं तुमसे एक राज की बात कहूँ तो किसी से कहोगे तो नहीं? बिल्कुल नहीं। आज मेरी शादी हो रही है। अच्छा, तुम चौंके नहीं? चौंकिया जी, बिल्कुल चौंकिया। लेकिन शादी आप किससे कर रही हैं? एक लालची से, अभी तक उसकी शक्ल भी नहीं देखी मैंने और देखना भी नहीं चाहती। तो फिर शादी क्यों कर रही हैं उससे? आंटी कहती हैं कि जायदाद के बचाने के लिए किसी न किसी से शादी करनी ही पड़ेगी। अरे मेरे ख्याल ही नहीं आया उन्हें तुम्हें से शादी कर ली थी। मुझसे? मैं आपको अच्छा लगता हूँ? कुछ कुछ। हो सकता है वो भी उतने अच्छा हो जितना मैं हूँ। ये कभी नहीं हो सकता, वो तो पैसे के लिए मुझसे शादी कर रहा है। लेकिन हो सकता है वो आपसे प्रेम भी करता हो? ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने उसे अभी तक देखा भी नहीं है। लेकिन शायद उसने आपको देखा हो। आप उसकी तरफ से क्यों वकालत करते हैं, वो मुझे इतना से भी अच्छा नहीं लगता। मैम साहब, आपको अंदर बुलाया। सुनो, तुम 2 मिनट बैठो, मैं झटपट शादी करके आई। मैं भी साथ चलता हूँ। ना भावन ना, आंटी नाराज हो जाएगी, शादी चोरी चोरी हो रही है। यार बच चुके हैं। मैडम मैंने आज 10 शादियां करानी है, कहाँ है दुल्हन?
ये रहे। तशरीफ रखिए और लीजिए, इसे अच्छी तरह सफाई दीजिए। मगर दूल्हा कहाँ है? मैं भी देखती हूँ। ये रहा दूल्हा। तुम? आंटी, तो क्या यही है वो? लालची, धोखेबाज, खुदगर्ज, तुम भी दूसरों ही जैसे निकले। अनिता, सुनो तो अनिता, अनिता, आंटी, मैं इससे शादी नहीं करूंगी। शादी नहीं करोगी तो जायदाद कैसे बचाओगी? घर पर तुमने क्या वादा किया था उसे? और फिर तुम्हें उससे क्या लेना देना है? जब हमें चाहिए तलाक दे देगा वो। लीजिए, आप भी ये शर्तें पढ़ लीजिए। आपकी शादी किसी दबाव या जबरदस्ती की वजह से तो नहीं कर रही? जी नहीं। आप लोग शर्तें पढ़ चुके? अच्छा, तो आप इनसे कहिए कि मैं प्रीतम कुमार तुम्हें अनीता वर्मा को अपनी पत्नी स्वीकार करता हूं। मैं प्रीतम कुमार तुम्हें अनीता वर्मा को अपनी पत्नी स्वीकार करता हूं। अब आप इनसे कहिए कि मैं अनीता वर्मा तुम्हें प्रीतम कुमार को अपना पति स्वीकार करती हूँ। दस्तखत कहाँ करने? पहले आप दस्तखत कीजिए। अब आप दस्तखत कीजिए। गवाहों के दस्तखत। शादी मुबारक। मैंने कहा शादी मुबारक। अनीता, ये रहा तुम्हारा 250 का चेक। बाकी के चेक हर महीने वक्त पे भेज दिया करूंगी। और हाँ, फिर अनीता से मिलने की कोशिश ना करना। आपने मुझे बुलाया था शर्मा जी? अरे हाँ प्रीतम, आओ बैठो। कहो कैसी है तुम्हारी नई मालकिन? नई मालकिन? अरे हाँ भाई, वही सीता देवी। ओ, ठीक ही होंगी, कई हफ्तों से नहीं देखा उन्हें। क्यों भाई, तुम्हें नौकरी से निकाल दिया उन लोगों ने? जी नहीं, नौकरी कुछ ऐसी है कि उनके घर से दूर रहने की तनख्वाह मिलती है। अच्छा, सुनो प्रीतम, तुम अब भी हमारे यहाँ नौकरी करना चाहते हो? नौकरी? हाँ हाँ। कैसी नौकरी? कार्टूनिस्ट की। कार्टूनिस्ट की? सच? हाँ हाँ। कब से आ जाऊं? कल से। मजाक तो नहीं कर रहे ना शर्मा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। थैंक्स अ लॉट। ओए ओए, ओफ, कंघी बाकी है अभी। ये क्या लिपस्टिक? जल्दी करो मैडम, वरना देर हो जाएगी। हे मिस्टर, ज्यादा आंखें मत दिखाओ, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा तो लो, हम दांत दिखा देते हैं। चलो। ओके। पैसे चाहिए क्या? वो कबाट है ना मेरे, उसके अंदर पत्तों ने सफेद वाले। समझ गया समझ गया। चाबी ले, जल्दी ले। जानी, प्रीतम को भी ले चलो ना। तुमने कभी कबाब खाए हैं? नहीं। तो फिर तुम्हें क्या मालूम कि कबाब में हड्डी क्या होती है? चलो तुम भी चलो। जानी, क्या है? जाने दे यार। जानी, फरमाइए। सिगरेट लो।
मैचेस। जूली कहाँ रही इतने दिन? आज तुम्हें अपनी दोस्तों से मिला, आओ। जॉनी, यह है मेरी स्कूल की सहेली मिस अनीता, यह है जॉनी। हाउ डू डू? हाउ डू डू? मिस्टर प्रीतम कुमार, मिस अनीता। आजकल क्या कर रही हो जूली? टाइपिस्ट हूँ। मेरा ख्याल है हम पहले भी कहीं मिल चुके हैं, मिस अनीता। शायद, लेकिन किसी डांस पार्टी में नहीं, वरना आपको मालूम होता कि डांस के लिए सूट पहनना जरूरी है। सॉरी। ओके जूली, बाय बाय बाय। बैठ जाओ भाई, गई वो। कहाँ मिली थी बे? याद नहीं है? याद नहीं, कमाल आदमी है। अरे अपने को ऐसी छोकरी मिल जाए तो अपन जिंदगी भर नहीं भूले। आओ चले डांस पे। ए भाई, उधारी का ख्याल रहे, अपना इधर चलता वलता नहीं खाता। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। ये क्या मजाक है? लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? यही कि बड़ी बदतमीज बीवी है, अपने शोहर से बात तक नहीं करना चाहती। मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ। इतनी जल्दी भूल गई? इसे तो नहीं भूली हो ना, शादी का सर्टिफिकेट। अब बात करें। चटपट करो, मुझे जाना है। तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करने लगी हो? नफरत नहीं तो क्या मोहब्बत करूं? 250 रुपए के लिए अपने आप को बेच दिया। तुम गलत समझ रही हो, मैं लालची नहीं हूं। तो फिर मुझसे शादी क्यों की थी? क्या करता, दिल नहीं माना? झूठ। तुम मुझे अच्छी लगती हो अनीता। कितनी ही चापलूसी करो, तनख्वाह 250 ही रहेगी, एक दमड़ी भी नहीं बढ़ेगी।
नैना बाबू, बुझ तो ये नैना बाबू किसके लिए है नीले आसमानी, नीले आसमानी। जल्दी चले आए क्या बात? यूं ही तेरा काम करना यार, ये कार्टून का आइडिया बहुत जोरदार है। ये लड़की की शक्ल तो जानी पहचानी है, कौन है? नहीं बोलो। इसमें भेजा कम और दिल की कारीगरी ज्यादा है, मेरा मतलब है ख्याली पुलाव नहीं है। नहीं, ए, वो क्लब में नीले आसमानी आंखों वाली जो लड़की थी ना, सुपर क्लास, शादीशुदा है या? मुझे क्या मालूम? नहीं मालूम, कब तक छुपेगी कैरी पत्तों की आड़ में? इसके मामले में ऐरे गैरे नत्थु खैरे सलाह लेते अपने से, और एक तुम हो के जिगर तक नहीं किया। माचिस कहाँ है? अब जिसको पता लगेगा वो तुम्हारे को नहीं मेरे को गाली देगा कि यार जॉनी वो तो बेचारा नारी था, तुम तो समझदार थे, तजुर्बेकार थे, क्या जवाब दूंगा मैं? चेक 1 2 3 4, अबे अबे सीता देवी के दिए हुए 250 के 4 चेक। जॉनी रख दे वो वापस। रख क्या दे, तुड़ा इसको, अपना कर्जा चुका दे भाई, आंकड़ा 75 तक पहुंच गया है। ये तोड़ाने के नहीं है। हाँ, अब क्यों तोड़ाएगा? तावीज बना के गले में लटकाएगा तू। क्या मतलब? कब तक छुपेगी कैरी पत्तों की आड़ में? अबे मैंने क्लब में तेरी सारी बातें सुन ली। तुम भी वहां मौजूद थे? नहीं, खाली कान भेजा था सुनने के लिए। बात करता है यार, देख अभी जैसा बोलता हूँ वैसा कर। तू अगर उसको यकीन दिला दे कि ये शादी के प्रोग्राम में रकम का हाथ नहीं बल्कि दिल का साथ था, तो शायद है कि वो। बहुत अच्छे। ए भाई, इधर हम भेजा चला रहे हैं और उधर आप पेंसिल चला रहे हो। नहीं नहीं, बहुत अच्छे। हटा जॉनी, क्या रखा है इन बातों में? काम करने दे। मैं तो हट जाऊंगा मगर वो 75 नहीं हटने वाले, जल्दी से इंतजाम कर देना। अखबार ने तारीफ की है मेरी? जी नहीं, आपकी और अनीता की शक्लें छापी हैं। देखिए। तुम अपना काम करो। नहीं, ये किस बदतमीज का काम है? अखबार तो शर्मा जी का है। यकीन नहीं आता, मैं भी पता करती हूँ, अभी रहने दो। कार्टून तुमने बनाया है? जी हाँ। ये मैं और अनिता है? जी हाँ। ऐसी शक्लें हम लोगों की? जी हाँ। मजाक उड़ाया है तुमने हमारा, इसका नतीजा जानते हो?
जी हाँ। अब तुमसे कोई संबंध रखना हमारी बेइज्जती है। मैं फौरन तलाक चाहती हूँ। आप? लेकिन मेरा तो ख्याल था शादी मैंने अनीता से की थी। मुझे बदतमीजी पसंद नहीं। तुमने वादा किया था जब भी हम चाहेंगे तुम्हें तलाक के लिए राजी होना पड़ेगा। मेरी चहेती पत्नी भी इसके लिए राजी है? वो तुम्हारी चहेती पत्नी नहीं, वो मेरी बीबी नहीं? तो फिर मुझसे तलाक क्यों मांगती है? और आप शायद भूल रही कि तलाक मैं नहीं अदालत मंजूर करेगी। अदालत की मंजूरी के लिए 50 वजह बयान की जा सकती है। मसलन? मसलन यही कि तुम अनिता के साथ बुरा सलूक करते रहे हो। बिल्कुल ठीक। तो पहले मुझे उसके साथ थोड़ा सा बुरा सलूक करने का मौका दे दीजिए, फिर तलाक की वजह पैदा हो जाएगी। क्या मतलब? अदालत ये पूछेगी ना कि जब हम दोनों एक दिन भी साथ नहीं रहे तो मैं उसके साथ बुरा सलूक कैसे कर सकता। तो तुम्हारा मतलब है तलाक से पहले तुम्हें और अनिता को साथ रहना चाहिए? जी हाँ, क्योंकि तलाक के बाद साथ नहीं रह सकते। तो उसके बिना तुम तलाक नहीं दोगे? आपकी शर्तों पे नहीं। तुम इस काबिल नहीं हो कि कोई शरीफ इंसान तुमसे बातें करे। अब मेरा वकील ही तुमसे अदालत में बात करेगा। तो आपके वकील साहब शरीफ नहीं है क्या? ओह ओह इडियट। थैंक यू। ओह थैंक यू। कमाल औरत है वो। तुम्हारे सगे वाली का खिताब बांटने आई थी क्या? वो अपने को भी टाइटल देके चली गई। क्या बात क्या है? इसलिए कि उसकी भतीजी को तलाक देने से इनकार कर दिया। इनकार कर दिया ना? अरे वाह बहुत अच्छे। मगर अब करेगा क्या? यही तो समझ में नहीं आ रहा, सोच रहा हूँ। तेरे सोचने को टाइम लगेगा और मेरे दिमाग में है। क्या? तू चल तो सही, आजमाई हुई चीज। चल चल चल। कहाँ? तू चल तो सही यार। समझ गए ना? तुम यहीं ठहरो, मैं पता करके आता हूं। आहा हा, क्या गाड़ी चमकाएगी ड्राइवर साहब। कोई बाहर जाने वाला है क्या? बेबी जाने वाली है। ओ आहा, ड्राइवर साहब, इधर एक मिनट आइए। तो अरे वाह, ना छोटी ना बड़ी, न नीचे न ऊपर, न इधर न इधर। क्या मूछ है आपकी? वैसे तो मैंने कई मूछ वाले देखे मगर ये बात नहीं देखी। आप राजपूत हैं क्या? आपको कैसे मालूम? अरे मुझे सब कुछ मालूम है, मैं तो इस मामले में बहुत एक्सपर्ट हूँ जी। आप एक मेहरबानी करेंगे मुझ पर? बोलिए बोलिए। ईमान से कहिए। तो फिर इसी मूछ के साथ मेरे को एक छोटी सी तस्वीर उतारने का मौका दीजिए। अरे मगर अभी बेबी जाने वाली है। अरे बेबी से ज्यादा कीमती आपकी मूछ है। अरे मगर ओ, मैं कहता हूँ आप समझिए तो सही। आप मेरी बात। अरे अभी आप चलिए तो सही। क्लब चलो ड्राइवर। मेरा ख्याल आप रहने ही दो, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कौन से एंगल से लूं भाई। अरे आप मुझे क्लब जाना है, गाड़ी कहाँ लिए जा रहे हो ड्राइवर? आपके ससुराल। जी मैं। तुम यहाँ कैसे आए? आपके ड्राइवर की मूछों की वजह से। गाड़ी रोको फौरन। जी नहीं। तो क्या तुम मुझे जबरदस्ती ले जाओगे? ओ गॉड, देखो मैं चलती गाड़ी से कूद पड़ूंगी। हाँ कूदिए कूदिए। क्या हुआ? मेरी टांग टूट गई। तो कोई फिक्र नहीं, मुझे लंगड़ी बीवी मंजूर है, कम से कम मुझसे दूर तो नहीं भागेगी। बेवकूफ, तुम कहाँ थे उस वक्त? जी जी मैं जरा गेट तक गया था, पलटा तो देखा वो गाड़ी लिए जा रहा था। ठीक से देखा तुमने? कौन था वो? जी ठीक से तो नहीं देखा। बेबी जाने वाली थी उस गाड़ी में, शायद उसने देखा हो। अरे हाँ बेबी ने जरूर देखा होगा। कहाँ है अनिता, बुलाओ उसे। जी उन्हें बुलाया नहीं जा सकता, वो उन्हें भी साथ ले गया है। क्या? जी हाँ वो उन्हें भी साथ ले गया है। इडियट, पहले क्यों नहीं बताया? Thank you.
आप कुछ कह रही हैं? गालियां दे रही हूँ तुम्हें। प्यार की या तकरार की? आपकी गाड़ी के नखरे भी आपसे कुछ कम नहीं है। क्या? इसने भी हड़ताल कर दी। ओह, अब क्या होगा? होना क्या, मियां भी आराम से इस गाड़ी में रात काट देंगे। तुम्हारे सर काट देंगे, मैं जंगल में रात नहीं गुजारूंगी। हाँ तो फिर कहाँ गुजारे? गाड़ी ठीक करो। तो चलिए गाड़ी को धक्का लगाइए। मैं धक्का वक्का नहीं लगाऊंगी। आप गाड़ी को चलाइए। मुझे गाड़ी नहीं चलानी आज। तो फिर दिखता है रात यही कटेगी। खटकती है तेरी नजर है मुझ में तू बन के दर्दे जिगर दिल में खटकती है तेरी नजर बस बस तुम भी जैसुने जना कर डाला उल्फत का खाना खराब बस बस तुम भी जैसुने जना कर डाला उल्फत का खाना खराब मान जा ऐ संग दिल दिल से मिला ले मेरा दिल सुनिए मिस्टर चालबाज बनिए ना बढ़ती रंदार सुनिए मिस्टर चालबाज बनिए ना बढ़ती रंदार और कोई घर देखिए दिल को यहाँ मत फेंकिए सुनिए मिस्टर चालबाज बनिए ना बढ़ती रंदार पूछे हुजूर हूँ आपका मुझको ये है गुरूर औकात मेरी न पूछे हुजूर हूँ आपका मुझको ये है गुरूर यूँ न रिश्ता जोड़िए दामन हमारा छोड़िए
गलती ये बंदा नवाज छेड़ कर मेरे दिल का साज चलती ये बंदा नवाज छेड़ कर मेरे दिल का साज हम तरसते ही रहे जलवे बरसते ही रहे पर चलती ये बंदा नवाज छेड़ कर मेरे दिल का साज माना के बिगड़े हैं मेरे नसीब उल्फत न समझे अमीरो गरीब माना के बिगड़े हैं मेरे नसीब उल्फत न समझे अमीरो गरीब छोड़ो ये उल्फत के बारे किया रास्ता लो जंगल का मजनू मियां छोड़ो ये उल्फत के बारे किया रास्ता लो जंगल का मजनू कर अब तेरा दर जाए ये दीवाना किधर सुनिए मिस्टर चालबाज बनिए ना बड़ तीरंदाज सुनिए मिस्टर चालबाज बनिए ना बड़ तीरंदाज और कोई घर देखिए दिल को यहाँ मत फेंकिए चलती ये बंदा नवाज छेड़ कर मेरे दिल का साज चलती ये बंदा नवाज छेड़ कर मेरे दिल का साज हम तरसते ही रहे जलवे बरसते ही रहे पर चलती ये बंदा नवाज छेड़ कर मेरे दिल का साज चलिए उतरिए मैं नहीं उतरूंगी नहीं उतरोगी जी नहीं ये क्या पता नहीं है उतारो मुझे वही तो कर रहा हूं बबुआ बात यह है भाभी इनके पैर में जरा मोच आ गई ये कौन है बबुआ शहर में चुपचाप कहीं ब्याह तो नहीं कर डाले लो भाई सुन लो पूछती है शहर में चुपचाप ब्याह तो नहीं कर डाला जी पैर में ज्यादा मोच तो नहीं आई बहन कुछ दवा दारू का सामान करें नहीं नहीं खुद ही ठीक हो जाएगी क्या नाम है तुम्हारा अनीता ये बबुआ तुम्हें जिस ढंग से ले आया हम तो समझे कि जी नहीं तो तुम कुंवारी हो अभी तक अरे अभी तक क्या 20 बरस और कुंवारी रहेंगी भाभी लाखों रुपए भरे पड़े इनके घर में चल हट औरत के लिए घर बसाने से बढ़ के भला और का सुख होगा अरे तू नहीं जानती भाभी जब तक कोई मोटा सा फायदा ना हो ये शहर की लड़कियां ब्याह की झंझट में नहीं पड़ती इसकी बातों का ख्याल न करना बहन ये तो यूं ही बकबक करता है चलो तुम आराम करो मैं कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करती हूँ बबुआ इनका ऊपर वाले कमरे में ले जा मेम साहब तशरीफ ले चलिए उठा के ले चलिए मुझे मेरे पाँव में मोच है पागल हो गई हो 30 सीढ़ियां उठा के ले चलो चाहे 300 हो मेरे पाँव में तो मोच है तो बैठी रहो मुझसे ना होगा आपसे ना होगा भाप Thank you.
उठा मुझे। ऐसे कैसे लाया? कौन है ये? बेटा ये परी है, परी बड़े जतन से लाना पड़ता है इसे। काका ये परी है। हाँ ये तो इसका पर का है। अपने पर इसने बांध रखे हैं, सिर्फ उड़ते वक्त फैलाती है। हम देखें इसके पास। छूना नहीं परी को, नहीं तो फुर से उड़ जाएगी। बबुआ तुम लोग जरा परी पे नजर रखना, उड़ने ना पाए, समझे? यहाँ आओ बच्चों। अरे बोलती भी है। यहाँ आओ। पास नहीं आएंगे ना तो तुम उड़ जाओगी। अरे भाई मैं नहीं उड़ूंगी, तुम्हारा काका बड़ा झूठा है। तुम छू के देखो मेरे पर कहाँ। तुम भी आओ, आओ देखो मेरे पर कहाँ। तुम भी देखो, नहीं ना? नहीं। हाँ बोलो। अरे और तोनू, स्कूल स्कूल जाओगे कि नहीं? वक्त होएगा। माँ स्कूल नहीं जाएगी, परी आई है। अरे परी अभी दो चार दिन तक रुकेगी, फिर बातें कर लेना। चलो अब सारा खास लाइफ हो बबुआ, कहीं जादू न चल जाए तुम पे। भाभी दिखता है तुझ पे जरूर जादू चल गया। ठीक पहचाना तूने, लड़की मुझे पसंद है, अब ब्याह कर डाल झटपट। अरे छोड़ भाभी, हमें कौन पसंद करेगी भला। दिखता है भाभी अपन कुंवारे ही मरेंगे। ए नौज पसंद काहे ना करेगी, हमरे देवर की आन बान किसी से कम है का? अरे भाभी तूने उनकी आन बान नहीं देखी, बहुत बड़े लोग हैं वो। तो हुआ करे, अगर उधर दौलत है तो इधर सीरत है, तू कहे तो था लो मैं उसके दिल की। अरे थावा छोड़ भाभी, अपना काम किए जा। बताओ भैया के बारे? अभी कहाँ बबुआ, वो तो जस साहब के दौरे में गए हैं। अच्छा जा नीता रानी को भोजन के लिए बुला ला। जाएंगे इनको मल हाथों में, पड़ जाने दो, काम तो करने से ही आएगा। अच्छा दुल्हन तुम चक्की में गेहूं डालो, पर पीसूंगी मैं। कितना काम करती हो भाभी, उगता नहीं जाती। अपने ही घर का काम हम नहीं करें तो फिर कौन करेगा? घर के काम काज में ही तो गृहस्थी का सुख है, लेकिन जरूरत से ज्यादा काम करने से सेहत बिगड़ नहीं जाती। चार बरस हो गए हमरे ब्याह को, अभी तक तो नहीं बिगड़ी, सिर्फ चार बरस। हाँ चार बरस में तीन बच्चे। हेलो रानी तुम भी कितनी भोली हो। जी जी मेरा मतलब ये था कि इतनी जल्दी जल्दी बच्चे हो ना ठीक नहीं, औरत की आजादी खत्म हो जाती है। कैसी आजादी? जो औरत अपने बाल बच्चन का बोझ समझे उनसे आजादी चाहे, वो भला माँ कहलाने जो घर। एक बात पूछूं भाभी? दो पूछो रानी। आपके पति कभी कभी पीटते भी आपको? तन मन से प्यार भी तो वही करते हैं, भात खाते समय कभी कभी दांत तले कंकर भी आ जाता है, उससे लोग भात तो खाना नहीं छोड़ देते। ब्याह हो जाने दो तुम्हारा, तो जानोगे पति का प्यार। Thank you.
उधर तुम हंसी हो इधर दिल जवां है ये रंगीन रातों की एक दास्ता है उधर तुम हंसी हो इधर दिल जवां है ये रंगीन रातों की एक दास्ता है ये कैसा है नगमा ये क्या दास्ता है बताए मोहब्बत मेरा दिल कहां है ये कैसा है नगमा मेरे घर में आई हुई है बहार कयामत है फिर भी करूं इंतजार मेरे घर में आई हुई है बहार कयामत है फिर भी करूं इंतजार मोहब्बत कुछ ऐसी सदा दे रही है मोहब्बत कुछ ऐसी सदा दे रही है कि खुद रात अंगड़ाइयां ले रही है जिधर देखती हूँ नजारा जवां उधर तुम हंसी हो इधर दिल जवां है ये रंगीन रातों की एक दास्ता है ये कैसा है नगमा ये क्या दास्ता है बताए मोहब्बत मेरा दिल कहां है ये कैसा है नगमा सुलगती है तारों परछाइयां बुरी है मोहब्बत की तन्हाइयां सुलगती है तारों की परछाइयां बुरी है मोहब्बत की तन्हाइयां महकने लगा मेरी जुल्फों में कोई महकने लगा मेरी जुल्फों में कोई लगी जागने धड़कने सोई सोई मेरी हर नजर आज दिल की जुबां है उधर तुम हंसी हो इधर दिल जवां है ये रंगीन रातों की एक दास्ता है ये कैसा है नगमा ये क्या दास्ता है बताए मोहब्बत मेरा दिल कहां है ये कैसा है नगमा तरसता हूँ मैं ऐसे दिलदार को जो दिल में बसा ले मेरे प्यार को तरसता हूँ मैं ऐसे दिलदार को जो दिल में बसा ले मेरे प्यार को तेरे ख्वाब है मेरी रातों पे छाए तेरे ख्वाब है मेरी रातों पे छाए मेरे दिल पे है तेरी पलकों के साए कि मेरे लबों पर तेरी दास्ता है उधर तुम हंसी हो इधर दिल जवां है ये रंगीन रातों की एक दास्ता है ये कैसा है नगमा ये क्या दास्ता है बताए मोहब्बत मेरा दिल कहां है ये कैसा है नगमा छूना मत परी को नहीं तो उड़ जाएगी वो मैं उसके पर बांध चुका हूं अब वो नहीं उड़ सकती लेकिन बंधन तोड़ा भी जा सकता है वो दूसरे बंधन होते प्यार का बंधन तोड़े नहीं टूटता आइए अंदर चलिए अनिता कहाँ है वो यही है हाँ बहुत मजे में है तुमने जो कुछ भी किया है वो जानकर मुझे ज्यादा ताज्जुब नहीं हुआ जी शुक्रिया मैं आपकी समझ की दाद देता हूँ तुम शायद इसे बहुत दिलेरी का काम समझते हो मगर हम शरीफ लोग इस हरकत को गुंडागर्दी कहते हैं गुंडागर्दी यानी मुझे अपनी पत्नी पे कोई हक नहीं हो समझा आप शरीफ लोगों में शायद पति पत्नी का गुलाम होता है मैं जानती हूँ अनिता को इस तरह लाने का मतलब चांदी की चमक देखकर कोई भी कल्ला शराफत से आंखें फेर लेता है
वाह बहुत खूब मैडम, ये जुमला नोट कर लो। हमारे रास्ते से हट जाने के लिए कितने रुपए चाहिए तुम्हें? आप तकलीफ न कीजिए, मुझे जितने भी रुपयों की जरूरत होती है वो मैं आजकल आपकी दुआ से खुद कमा लेता हूँ। कमाते होते तो 250 रुपए माहवार के लिए अपने आप को बेचा ना होता। लो 10,000 का चेक और इसके बदले मेरी भतीजी की आजादी वापस कर दो। यही सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ, आप मेरी पत्नी को अपनी तानाशाही से आजाद करने के लिए क्या कीमत चाहती हैं? कीचड़ में पत्थर फेंकने से छींट अपने आप पर ही आती है, मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती। अनीता माफ कीजिए, अनीता अपने मर्जी के खिलाफ यहां से नहीं जा सकती। ये रही उसकी मर्जी, पढ़ लो ये तार। अनीता ये तार तुमने भेजा था? मैं पूछता हूं ये तार तुमने भेजा था? तो मेरे साथ ये ढूंढ रचाने की क्या जरूरत थी? तुम गलत समझ रहे हो, मुझे पहले ही मालूम होना चाहिए था कि तुम जैसे तितलियों का कोई भरोसा नहीं। डोंट इंसल्ट मी, मुझे बुरा भला कहने का तुम्हें कोई हक नहीं, मैं तुम्हारी बागी नहीं हूं। जी नहीं, आप तो मलखे आलम है, आपके क्या कहने। जाइए तशरीफ ले जाइए। नीता रानी, एक तरफ जन्म जन्म का साथ है तो दूसरी तरफ सिर्फ यही जन्म का, इन दोनों में से किसी एक का चुनने से पहले अपने मन से पूछ लियो। अनीता जॉनी का। अरे प्रीतम तुम आ गए, हफ्ते भर का प्रोग्राम दो ही दिन में कैसी गुजरी गांव में यार? वो सब छोड़ो यार, एक बात तो सुनो। जानी कहीं से शराब की बोतल मिल सकेगी? हैं शराब की बोतल? अबे धीरे बात कर, किसी ने सुन लिया तो दोनों अंदर हो जाएंगे। जानी तुमने कहा था ना कि तुम शराब नहीं पीते हो। ले देख सिर हो गई ना, अब तू ही मना 1.5 घंटे तक। जवाब दो मुझे, तुमने कहा था या नहीं? हाँ बाबा ठीक ही तो कहा था, कौन पीता है? तो तुम लोग पीने की बातें क्यों कर रहे थे? ओफो पीने की नहीं सिर्फ बोतल की, ओह गलती हो गई, सिर्फ बातें कर रहे थे। झूठ बोलते हो, तुमने मुझे धोखा दिया है। नहीं। हाँ नहीं। मैं क्या क्यों दिया है? मैं कतो नहीं दिया। अब मुझे मिलने की कोशिश कभी ना करना। जो 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 गई, अबे ऑलवेज फटका, तेरी वजह से हमेशा नुकसान, पैसे में नुकसान, कपड़े में नुकसान, छोकरी भी चली गई। अबे उसके ही सामने बोलना था मुझे शराब की बोतल ला दे। शराब की खाली बोतल चाहिए थी मुझे। खाली बोतल? हाँ। अबे अकलमंद तो पहले ही बोलने को क्या हो गया था कि मेरे को शराब की खाली बोतल चाहिए, जब वो थी तो बोलता मुझे शराब चाहिए, जब वो चली गई तो बोलता खाली बोतल चाहिए, अब थोड़ी देर बोलेगा मुझे छोकरी भी चाहिए। हाँ चाहिए। ईमान से? दो चाहिए। दो? पंखा पंखा यार आज तुझे क्या हो गया है? मेरी समझ में नहीं आता है, इस तरह की फोटो खिंचवाने की तुझे क्या तकलीफ हुई है भाई? यार तुझे खींचने में क्या तकलीफ है, खींचना बाबा, मेरे क्या बाप का जाता है। ले। अरे हाँ जिसके लिए दो आने और 2 घंटे खराब किए वो शराब की बोतल तो तुम भूल ही गए, ये लो रख दो, दुआने हिसाब में लगा दिया, फुकटो मत समझना आप। अरे यार बोतल का लेबल तो इधर कर। Won't you come please? You too. हम बोलते हैं तुम अपने सर के बाल का इलाज क्यों नहीं करता, आखा खोपड़ी सफेद हो गया है। उसका इलाज तो तुम कर रहा है डियर। हम कर रहे हैं। तुमको सुना? 25 साल से सुनता चला आता है, तुम बोलता जाओ। हम अपनी आवाज का बात नहीं कर रहा, जॉनी का रूम से किसी लड़की का आवाज आ रहा है। वो तो तुम्हारा अपना आवाज का गूंज होगा डियर, बाजू वाला बिल्डिंग से भी टकरा के लौट सकता है। तुम कितना खुशहट हो गया मैन, एकदम तुम्हारा खोपड़ी अभी काम नहीं करता। हाँ आवाज उधर से आता है, नाम मेरा लेता है तुम।
खुद जाके देखेगा क्या गड़बड़ है। उल बाप रे, मम्मी मर गए मम्मी। यार दरवाजा मत खोल, कैदे काम कर रहे। अरे नहीं जाना बाबा, नहीं खोलूंगा तो दो के चार दरवाजे कर देगी। तू बत्ती गुल कर। आधी रात को बिल्डिंग क्यों हिलाता है, किसी को काम भी करने देगा कि नहीं? अंदर अंधेरा क्यों है? ओहो, और नहीं तो ये काम क्या उजाले में होगा? हम बोलता कोई जरूर अंदर है। हाँ है। कौन है? दो दर्जन चूहे, 50 दर्जन खटमल। अब तुम जाओ ना, हैरान मत करो मच्छर बन के। जाओ पापा, 11:30 बज गए, सो जाओ अभी। अभी तो जान बच गई है, मगर किसी दिन तू अपने को घर छुड़वा के फुटपाथ पे जरूर भिजवाएगा। अब जल्दी से फोटो खींचा और भगा इनको। आओ ना भाई, डोंट यू समझो। रेडी, जरा स्माइल। तुम इस तरह अंदर क्यों आए? यहां गुंडागर्दी करने की कोई जरूरत नहीं, वरना पुलिस के हवाले कर दूंगी। दरबार, दरबार! डरिए मत, औरतों के उद्धार के लिए अभी आपको बहुत दिन जीना है। मैं पूछती हूँ, दीवार फाड़ कर अंदर आने का क्या मतलब है? अगर आपने दरबार को घर के दामाद के साथ सुलूक करना सिखाया होता तो मुझे इस तरह आने की जरूरत ना होती। जरूरत क्या है तुम्हें यहाँ आने की? अपनी नहीं, मैं आपकी जरूरत से आया हूँ। ये लीजिए। ये जलील तस्वीर मेरे पास क्यों लाए हो? इसलिए कि अदालत में खड़ी होकर आप ये साबित कर सके कि मैं एक बदचलन आवारा हूँ जो आपकी भतीजी का पति होने के काबिल नहीं। इस तस्वीर के बिना पर कोई भी अदालत तलाक मंजूर कर लेगी। तो तुम सचमुच तलाक देने को तैयार हो? मुझे यकीन नहीं आता। कल तक तो तुम जबरदस्ती। जबरदस्ती नहीं, अगर वो खुशी से रहना चाहती तो। समझदार हो तुम, ये तस्वीर देखकर अनिता भी खुश हो जाएगी। आप लोगों को खुश करने के लिए कुछ और भी लाया, ये रहे आपके दिए सारे चेक। दौलत से आपकी इज्जत है ना, रख लीजिए इन्हें, आपकी इज्जत कुछ और बढ़ जाएगी। नमस्ते। तुम्हारी आंटी शायद ब्लैक में पैदा हुई है, शादी ब्याह कोई व्यापार नहीं है। जिसका हाथ एक मरतबा थांबा है, उम्र भर उसके साथ निभाना पड़ता है। मैं तो निभाने के लिए तैयार हूँ, पर वो भी निभाना चाहे तब ना। अरे तुमने उसे मौका ही कब दिया है निभाने का? कभी उसके साथ में दो मीठी बातें की है तुमने? जब मीठी बातें करने को जी चाहा तो उसने मुझे घर से निकाल दिया। आखिर मर्द था, कब तक चुपका बैठता? तुम कोई पटरानी हो जो तुम्हारे सामने सर झुकाए खड़ा रहे? तुम उसकी पत्नी हो। पत्नी हो तो फिर वो मुझे मनाने क्यों नहीं आता? उसने कोई तेरा ठेका ले रखा है मनाने का? तू जा उसे मनाने। नहीं नहीं, पर मनाती कैसे? तू उसके सामने चली जा, खुद ही आ जाएगा मनाना। मैं जरूर जाऊंगी। तुम नहीं जाओगे? नहीं। अगर फिर तुमने अनिता को बहकाने की कोशिश की तो ठीक नहीं। ये मत भूलो कि तुम नौकरानी हो इस घर की। चलो निकलो यहां से। प्रीतम पे तुम्हें बहुत भरोसा है ना? जी हाँ, होना भी चाहिए। मैं उससे मिलने जरूर जाऊंगी। जाओगी तो धोखा खाओगी। लड़कियों की कमजोरी से फायदा उठाना ये उसकी पुरानी आदत। आप गलत समझ रही है, वो सिर्फ मुझे चाहता है। तुमसे उसने यही कहा होगा, लेकिन ये तस्वीर कुछ और कह रही है। ये तस्वीर आपको कहां से मिली? उस लड़की से जो तुमसे पहले प्रीतम के हाथों धोखा खा चुकी है। मैं नहीं मानती, ये सब झूठे।
वो ऐसा नहीं है। तुम क्या जानो वो कैसा है, कितने दिनों से जानती हो उसे। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो अपनी आंखों पर तो होना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं है तो ऐसी तस्वीर कहां से आती। अब तुम जानबूझकर कुएं में कूदना चाहती हो तो जाओ कूदो, भला मैं कौन होती हूं तुम्हें रोकने वाली। आंटी, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है अनीता, इस तस्वीर के बिना पर तुम्हें फौरन तलाक मिल सकता है। मेरी दुनिया, मेरी दुनिया लुट रही थी और मैं खामोश था। मेरी दुनिया लुट रही थी और मैं खामोश था। टुकड़े टुकड़े दिल के चुनता, टुकड़े टुकड़े हाँ हाँ, टुकड़े टुकड़े दिल के चुनता, किसको इतना होश था। मेरी दुनिया लुट रही थी और मैं खामोश था। आहे, मेरी दुनिया लुट रही थी और मैं खामोश था। आंसू न थे और जल रहा था दिल, जिगर रो रही थी हसरतें, चुपचाप था मैं बेखबर। अरे कैसे आता है, कैसे आता होश में जो पहले ही बेहोश था। कैसे आता होश में जो पहले ही बेहोश था। टुकड़े टुकड़े दिल के चुनता, टुकड़े टुकड़े हाँ जी, टुकड़े टुकड़े दिल के चुनता, किसको इतना होश था। मेरी दुनिया लुट रही थी और मैं खामोश था। हकीकत है इसे समझे न अफसाना कोई, हाँ ये हकीकत है इसे समझे न अफसाना कोई। जब लुटा कूचे में उनके जाके दीवाना कोई, अरे ये जमीन चुपचाप थी और आसमां खामोश था। ये जमीन चुपचाप थी और आसमां खामोश था। टुकड़े टुकड़े दिल के चुनता, टुकड़े टुकड़े हाँ हाँ, टुकड़े टुकड़े दिल के चुनता, किसको इतना होश था। कश्ती डुबो दी जाके साहिल के करीब। क्या मैं करता मैं शराबे इश्क से मदहोश था। क्या मैं करता मैं शराबे इश्क से मदहोश था। टुकड़े टुकड़े दिल के चुनता, टुकड़े टुकड़े हाँ हाँ, टुकड़े टुकड़े दिल के चुनता, किसको इतना होश था। मेरी दुनिया लुट रही थी और मैं खामोश था। आए, मेरी दुनिया लुट रही थी और मैं खामोश था। मेरी दुनिया लुट रही थी। Thank you.
उन मजालिम का जिक्र करूं जो कि मुद्दाला है प्रीतम कुमार ने मुद्दैया अनीता प्रीतम कुमार पर शादी होने के बाद किए हैं। मैं उनकी शादी से पहले की जिंदगी के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। शादी से पहले मुद्दैया मिस अनीता वर्मा थी, एक शरीफ और दौलतमंद खानदान की इकलौती बेटी, और मुद्दाला एक निकम्मा काहिल और बेकार इंसान था। उस बेकार इंसान की जिंदगी में जब एक दौलतमंद और भोली भाली लड़की ने कदम रखा तो उसे अपनी फाके मस्तियां दूर करने का एक सुनहरी मौका नजर आया। एक नातजुर्बेकार व मासूम लड़की ने एक चालाक इंसान की बनावटी मोहब्बत के झूठे वादों पर यकीन किया और मिस अनीता वर्मा प्रीतम कुमार को पसंद करने लगी। फिक्र न करो अनीता, शहर का सबसे काबिल वकील किया है मैंने, वो तुम्हें तलाक दिलवा कर ही रहेगा। 25 अक्टूबर 1954 को उन दोनों की शादी हुई और उसी दिन मिसेज अनीता प्रीतम कुमार ने अपनी जिंदगी की पहली ठोकर खाई। उसी दिन प्रीतम कुमार अपनी बीवी को ठुकरा कर चला गया। यह जालिमाना सुलूक बर्दाश्त करने के बाद भी पारसा बीवी की मोहब्बत में फर्क ना आया। वो अपने शौहर की बेकारी का ख्याल करते हुए हर महीने उसे 250 के चेक भेजती रही और जालिम और बदचलन शौहर बीवी की यह दौलत अपनी आवारगियों के लिए इस्तेमाल करता रहा। यह रही उसकी आवारगी की एक छोटी सी मिसाल। तो इसीलिए तस्वीर खिंचवाई थी मुझसे। अबे अगर मुझे बुलाया गवाही के अंदर तो मैं जाने वाला नहीं, बोल देता हूँ। हाँ बिगड़ते क्यों, अभी छोड़ो ना। अनीता प्रीतम कुमार हाजिर है। आपका नाम? अनीता प्रीतम कुमार। आप मेरे साथ कहिए, मैं जो कुछ भी कहूंगी सच कहूंगी और सच के बगैर कुछ भी ना कहूंगी। मैं जो कुछ भी कहूंगी सच कहूंगी, सच के बगैर कुछ भी नहीं कहूंगी। मिसेस प्रीतम कुमार, शादी से पहले आप प्रीतम कुमार को जानती थी? जी हाँ। कैसे जानती थी आप उसे? 2-4 बार हमारी मुलाकातें हुई थी। आपकी ये मुलाकातें कहाँ हुई थी? पार्क में और सिनेमा में। इन मुलाकातों के वक्त आप दोनों तरह थे या आपके साथ कोई और भी था? और कोई नहीं था। तो इस तन्हाई का फायदा उठाते हुए मोहब्बत की शुरुआत आप दोनों में से पहले किसने की थी? जवाब दीजिए मिसेस प्रीतम कुमार, आपका जवाब देना बहुत जरूरी है। अपनी मोहब्बत पहले किसने जाहिर की? प्रीतम ने। और वही प्रीतम जो शादी से पहले आपसे मोहब्बत के कौलो करार करता रहा, शादी के दिन ही आपको ठुकरा कर चला गया, क्या यह ठीक है? हाँ। और क्या यह भी ठीक है कि आपसे अलग होने के बाद वो दूसरी लड़कियों के साथ बदचलने की जिंदगी गुजारता रहा? आप उसके चाल चलन के बारे में क्या जानती हैं? जवाब दीजिए मुझे। आपने ये तस्वीर पहले भी कभी देखी है? That's all, my lord. ए मैडम, अभी हमारा बारी आने वाला है। मैंने कहा ना यहाँ से बात मत करना। तुम यहाँ बात नहीं करेंगे तो हम उस पिंजड़े में बात नहीं करेंगे। हाँ मेरे को अभी मांगता है ना उधार। थैंक यू। लिली डी सिल्वा हाजिर है। ये सर, एक्सक्यूज मी। आपका नाम? वो चपरासी इतना गला फाड़ के मेरा नाम पुकारता था, तुम नहीं सुना? ऑर्डर ऑर्डर। सवाल का ठीक ठीक जवाब दीजिए, बताइए नाम, बताइए अपना। लिली डी सिल्वा। आप इस बार हाथ रखकर कहिए, जो कुछ मैं कहूंगी सच कहूंगी और सच के बगैर कुछ ना कहूंगी। जो कुछ भी बोलेंगे हम सच बोलेंगे और सच के बगैर कुछ नहीं बोलेंगे। हेलो, कैसा है? मिसेस डी सिल्वा, उस शख्स को पहचानती हैं आप? तुम भी कितना सिली सवाल करते हैं मैन, वो 10 महीने से मेरा गेस्ट हाउस में रहता और उसी को नहीं पहचानेगा। मिसेस डी सिल्वा, यह अदालत है, तमीज से बात कीजिएगा। मिसेस डी सिल्वा, पिछले महीने के 2 तारीख को रात के 11 बजे क्या हुआ? हम सुई लेके हमारा जंपा सीता था और मेरा बुढ़ा ये बाजू में बैठा था। हम उसको बोला तुम अपना सफेद सफेद टोटो गंजा है मैं। ये भूल जाइए कि आप क्या बोली, ये बतलाइए कि आपने क्या देखा और क्या सुना। वही तो बोलता है मैन, हम सुना प्रीतम के रूम से लड़की लोग का आवाज आता है और मेरा बुढ़ा बोलता है मेरा आवाज है। तब आपने क्या किया? हम जाके दरवाजे को खटखटाया। सॉरी। फिर क्या हुआ? बोलता है ना, धोनी ने दरवाजा खोला और बोला। चलिए, आपके खटखटाने के कितनी देर बाद दरवाजा खोला? पूरे 5 मिनट बाद उसने दरवाजा खोला। तब आपने कमरे में क्या देखा? हम खाली जॉनी को देख पाया, बाकी सब अंधेरा था और उसने जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया क्योंकि छोकरी लोग अंदर था ना।
ये आप कैसे कह सकती हैं कि कमरे में लड़कियां थी? तुमको क्या मालूम, उधर से फिर खुसुर फुसुर की आवाज आया और हमको गुस्सा आ गया, हम एक ही हाथ में दरवाजा तोड़ डाला। सॉरी, हम क्या देखता है, माई गॉड, अंदर प्रीतम साहब दो लड़की लेके बैठा है, एक ये बाजू और एक ये बाजू। That's all, my lord. नहीं नहीं, तुम असली बात पूछना तो भूल ही गया, उसके पास इतना बड़ा बोतल भी था ना, दारू का मिला दारू का। ऑर्डर ऑर्डर, आप बराए मेहरबानी तशरीफ ले जाइए। प्रीतम कुमार हाजिर है। मैं सब समझता हूँ, चुप रहो। मिस्टर प्रीतम कुमार, इस मुकदमे के लिए आपने कोई वकील किया है? नो मी लॉर्ड। आपके खिलाफ जो इल्जामात लगाए गए हैं उनके बारे में कुछ कहना चाहते हैं? मी लॉर्ड, मैं मुद्दालय से चंद सवालात करना चाहता हूँ। मिस्टर प्रीतम कुमार, क्या ये सच है कि शादी से पहले आप बेकार थे? जी हाँ, बदकिस्मती से। तो उस जमाने में आपकी गुजर कैसे होती थी? अपने दोस्त की कमाई पर। यानी आप सोसाइटी के उन निकम्मे लोगों में से हैं जो खुद कमाने की तकलीफ नहीं उठाते बल्कि दूसरों को अपनी खुदगर्जी का शिकार बनाते? जी नहीं, मैं सोसाइटी के उन निकम्मे लोगों में से हूँ जो पैसा हासिल करने के लिए दूसरों को अपना शिकार नहीं बनाते बल्कि अपने दोस्त से मदद लेना बेहतर समझते हैं। तो मतलब ये कि जिस जमाने में आपने शादी की तब आपको आमदनी के किसी दूसरे जरिए की तलाश थी? जी हाँ, और मैंने आमदनी का वो जरिया इस शादी में पाया। मिस्टर प्रीतम कुमार, ये अदालत है, जरा सलीके से खड़े रहना सीखिए। बहकिए नहीं, सवाल पूछिए। तो क्या आप कबूल करते हैं कि आपने ये शादी पैसों के लिए की? ये सब झूठ है, इसे क्या हो गया, ये बोलता क्यों नहीं है? तो सच बात तुम ही बता दो ना। मिस्टर प्रीतम कुमार, शादी के बाद आपने बदचलनी की है या नहीं? पहले ये बताइए कि आप जैसे समाज के ठेकेदार बदचलनी किसे कहते हैं? बदचलनी ये है। जी नहीं, ये तो फोटो है। इस फोटो में जो लड़कियां आपके साथ मौजूद हैं क्या वो शरीफ लड़कियां हैं? जी हाँ, इस वक्त जितनी भी औरतें यहाँ मौजूद हैं वो लड़कियां इन औरतों से कुछ कम शरीफ नहीं है। मैडम, वो गाली देता है। ऐसी लड़कियों को जो कि चंद रुपयों के लिए अपनी इज्जत व आबरू बर्बाद कर देती हैं, क्या आप शरीफ कहेंगे? अगर कुछ लोग लाखों रुपयों के लिए दूसरों की इज्जत बर्बाद करने के बाद भी शरीफ कहला सकते हैं तो फिर ये लड़कियां शरीफ क्यों नहीं? आपकी इन शरीफ लड़कियों पर अपनी बीवी की कितनी दौलत बर्बाद की है आपने? जवाब दीजिए मुझे, अपनी बीवी की कितनी दौलत बर्बाद की है आपने? That's all, मिलाज। अदालत की कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी की जाती है। अरे वो देखो अनिता आई। अरे मैंने कहा मैं हूँ नए जमाने का रिपोर्टर, आपसे चंद सवाल करना चाहता हूँ। जो कुछ पूछना चाहते हैं मुझसे पूछें। किसकी गलती से इस तलाक की वजह पैदा हुई, अनीता की या? क्या कह रहे हैं आप, कसूरवार प्रीतम है? हाँ हाँ, ये औरतों की इज्जत का सवाल है, ये तलाक मंजूर होनी चाहिए। औरतों की आजादी जिंदाबाद, औरतों की आजादी जिंदाबाद, सीता देवी जिंदाबाद। अरे यार, आज तो गाड़ी में कमाल हो गया, एक अपने से भी डबल फेंकू मिल गया। कहने लगा मेरी औरत रुपए की जगह आठ आने खर्चा करती है, मैंने कहा मेरी औरत रुपए की जगह चार आने खर्चा करती है, हालांकि अपनी है ही नहीं, तो घबराया। मैं कहने लगा कैसे, मैंने कहा तू बता कैसे, तो कहने लगा कि मान लो उसने एक रुपए का पंखा लिया तो वो उसके दो हिस्से कर देती है, छह महीना एक को वापरती है और छह महीना दूसरे को वापरती है। मैंने कहा मेरी औरत वही पंखा दो साल चलाती है। कहने लगा कैसे, मैंने कहा वो पंखा पकड़ती है और पंखा नहीं हिलाती, ऐसे मुंडी हिला लेती है। तुम हंसे नहीं यार? यार क्या हर वक्त इंसल्ट कर देते हो,
दो पैसे की माचिस क्या मांगते हो? जान मांगो, हाजिर है तुम्हारे लिए। नहीं प्यारे, बहुत मुंडा है तुझे, अब नहीं मुंडेंगे। जॉनी, मैंने तेरे कितने पैसे देने? 75 ना। अरे अभी हिसाब किताब छोड़ो ना, बाद में देखेंगे, अभी रहने दो ना भाई। नहीं यार, तो रख ले, फिर मौका नहीं मिलेगा। क्यों? मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ। कल? लौटोगे कब? कहाँ, बम्बई? अरे एक बार बादशाहों के बनाए हुए शहर में पहुंचकर सौदागरों की नगरी में कौन लौटता है? यार तेरी एक बात अपनी समझ में नहीं आई। माना कि किसी को जबरदस्ती अपनी बीवी बनाए रखना ठीक नहीं है, पर उन लोगों को वो तस्वीर देकर अदालत में अपनी बेइज्जती कराने की क्या जरूरत थी? प्यारे दिल वाले हर काम दरिया दिली से किया करते। अगर किसी को खुश करना ही है उसमें कोई कसर क्यों रह जाए? तू कुछ भी कह, अपने को यकीन नहीं आता कि अनिता इसमें खुश है। उसने अदालत में जो दो एक नजर तेरी तरफ फेंकी थी ना, वाकई दर्दीली थी। अनिता आई है? उस तरफ है। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। अगर आप मेरा नाम भूल गई हैं, तो मैं आपको याद दिला सकता हूँ। मुझे याद है। तो फिर आपको ये भी याद होगा कि मैं प्रीतम का दोस्त हूँ। तो प्रीतम के बारे में बात करने आई? प्रीतम के बारे में कौन गधा बात करता है? ओह, प्रीतम को मारो गोली। मैं तो मौसम के बारे में बात कर रहा था। देखिए ना कैसा हसीन मौसम है ना जी। हाँ, ऐसे मौसम में तो हर एक को अपने पार्टनर की याद आती होगी। हाँ वो देखिए, देखिए ना, देखिए ना। क्या देखा? जुगनू। ये चमकता क्यों है? मालूम नहीं? मालूम? अरे जब मिसेस जुगनू मिस्टर जुगनू को बुलाती है तो सिग्नल देती है। हाँ, लेकिन हम लोगों में उल्टा ही दस्तूर है, अगर मिस्टर पास जाना भी चाहे तो भी मिसेस दूर भागती है। क्यों ना भागे? मिस्टर जुगनू मिसेस जुगनू को छोड़कर किसी दूसरी लड़कियों के पीछे नहीं भागता। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उनमें आपस में बड़ा भरोसा होता है। हम लोगों की तरह वो छोटी मोटी बातों पर शक नहीं करते। उस तस्वीर को आप छोटी मोटी बात कहते हैं? कौन गधा कहता है कि छोटी मोटी बात थी? प्रीतम के लिए तो ये बहुत बड़ी कुर्बानी थी। ये बदनामी उसने सिर्फ इसलिए ली कि आपको तलाक में आसानी हो। आंटी तो कहती थी कि ये तस्वीर उन्हें एक लड़की दे गई थी। आपकी आंटी तो चश्मा लगाते हुए भी कम देखती हैं। प्रीतम ने अपने हाथ से वो तस्वीर आपकी आंटी को दी थी, और साथ में वो सारे चेक भी। चेक भी? हाँ। आपको कैसे मालूम हुआ? मुझे नहीं मालूम होगा तो और किसे मालूम होगा? मैंने खुद अपने हाथ से वो तस्वीर उतारी थी। अगर आपको यकीन नहीं आता तो मैं नेगेटिव लाके दिखा दूं।
अनिता, वकील साहब कह रहे थे कल तुम्हें तलाक मिल जाएगा। तुम्हें तो खुश होना चाहिए अनिता, कल तुम पूरी तरह आजाद हो जाओगी। आप तो खुश है ना? हाँ बहुत खुश। फिर तो मुझे भी खुश होना चाहिए। क्या मतलब? यही तो करती रही हूँ जिंदगी भर, हर काम आपकी खुशी के लिए। इसलिए कि उसमें तुम्हारी भी खुशी और बेहतरी है अनिता। प्रीतम वो सारे चेक वापिस कर गया, तस्वीर भी वो खुद ही दे गया। ये सब मुझसे छुपाना शायद मेरी ही बेहतरी के लिए था। समझी, तो तुम प्रीतम से मिली थी? अभी तक नहीं गई, अब जा रही हूँ। पागल ना बनो अनिता, मामला कचहरी तक पहुंच चुका है, अखबारों में इस तरह के चर्चे हो रहे हैं। अब तुम पीछे हटी तो जरा सोचो तो कितनी बेइज्जती होगी हमारी। आपकी इज्जत बनी रहे चाहे किसी की जिंदगी बर्बाद हो जाए। आप जो कुछ भी करती है अपने मतलब के लिए करती है, लीडर बनती है अपनी इज्जत के लिए, अपने बेटों की ख्यालत लोगों पर लादा करती है वो भी अपनी इज्जत के लिए। मेरे ख्यालत औरतों की बेहतरी के लिए, तजुर्बे ने मुझे सब कुछ सिखाया है। तू अपना तजुर्बा कुछ और बढ़ाइए, स्टेज पर खड़े होकर लेक्चर देने की बजाय जिन मामूली दर्जे के लोगों को देखकर आप नाक भौं सिकोड़ा करती हैं, उनके घरों में जाइए और देखिए कि हिंदुस्तानी औरत घर बसाकर कितनी सुखी हो सकती है। वो जाहिल औरतें गुलामी को ही सुख समझती हैं, वो क्या जाने कि आजादी क्या चीज होती है। उन्हें आजाद रहना मैं सिखाऊंगी, जो कि मैंने अमेरिका और यूरोप की औरतों से सीखा है। उनसे और भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है, वहां के मौसमों की तरह बरस में चार बार पति बदलना भी उन्हीं से सीखा जा सकता है। अगर कोई गंवार लड़की ये बात कहती तो मैं समझ सकती थी, लेकिन ताज्जुब तो यह है कि तुम जैसी पढ़ी लिखी लड़की उस गुलामी के गुण गा रही है। अगर अपने घर के काम काज में सुख पाना अपने घर वालों को खुश रखने का नाम गुलामी है तो हजार बार मैं ऐसी गुलामी के गुण गाऊंगी जिस गुलामी में पति पत्नी के बीच प्रेम है, एक दूसरे की कद्र है, एक दूसरे की खुशी का ख्याल है। वो आपकी ऐसी आजादी से कहीं बेहतर है जिसमें मर्दों की नफरत के सिवा कुछ भी नहीं। आप तो मुझे सुखी देखना चाहती थी ना? मैंने अपना सुख ढूंढ लिया है, फिर आपको क्या गम हो सकता है? गम तो मुझे उस दिन होगा जब तुम ठोकर खाने के बाद रोती बिलकती मेरे पास आओगे, लेकिन तब तक सब कुछ बर्बाद हो चुका होगा। आप फिक्र ना करें, मैं जिंदगी भर आपके दरवाजे पे नहीं आऊंगी। मैं तुमसे बहस करना नहीं चाहती, तुम यहाँ से नहीं जाओगी। रोक देखिए मुझे। तो तुम अपनी जिद पूरी करके रहोगी? बिल्कुल। अच्छा तो कर लो पूरी। आंटी, 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 आंटी। का प्लेन कब जा रहा है? 8:30 और 9 बजे। कैन आई हैव अ टिकट प्लीज? जल्दी चलो।
अब आइए जो मुझे चला गया। कहाँ चला गया प्रीतम? हवाई अड्डे पर, दिल्ली जा रहा है। तो फिर जल्दी चलो ना। हाँ चलो चलो जल्दी 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 चलो। ड्राइवर जल्दी चलो। अबे एक्सीलेटर दबा। अरे जल्दी चल मेरे बाप। बहुत कम टाइम रहेंगे, अबे जल्दी चल। जाने वाला हम एक पैसेंजर से मिलना है। अब आप नहीं मिल सकते। अच्छा देखिए फिर मुझे भी दिल्ली का एक टिकट दे दीजिए जल्दी। सॉरी मैडम बहुत देर हो रही है। क्या हो गया? तुम तो उस प्लेन से जाने वाले थे ना। उस प्लेन से नहीं भाई, मेरा प्लेन तो आधे घंटे के बाद जाने वाला है। मैं तुम्हें नहीं जाने दूँ। तुम कौन होते मुझे छोड़ के जाने वाले? समझ से काम लो, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? कि बड़े बदतमीज शौहर अपनी बीवी को छोड़ के भागे जा रहे। शौहर यानी तलाक का मुकदमा खत्म। चलो जल्दी से कोर्ट चल। बहुत अच्छे। अरे हम भी इधर खड़े का चले कहाँ? अदालत। हम भी चले। कहाँ अदालत? अरे अदालत कौन गधेड़ा जाता है। ओ आई एम सॉरी, अपन लोग तो वहाँ जाएंगे ना। ए भाई जरा मुंह उधर, थोड़ा प्राइवेट है। ए देखो रजिस्ट्रार या गिरजा? गिरजा। मुंह उधर। रजिस्ट्रार। गिरजा। रजिस्ट्रार। गिरजा। रजिस्ट्रार। गिरजा। रजिस्ट्रार। मैं कहता हूँ रजिस्ट्रार। देख मैं गिर जाऊंगा। अरे अरे गई गिर जाओ। रजिस्ट्रार की चक्कर में तेरी भी गई मेरी भी गई।